वेलकम गाइस आईटीएल पर वीडियो में ओप्पो का K10 5G CPS 2337। इसमें अगर आपको हैंग टच की प्रॉब्लम आ रही है तो आप कैसे शॉर्ट आउट करेंगे मैं बता देता हूँ। ये फ़ोन है ओप्पो का डबल कैमरे वाला फिंगरप्रिंट, तो इसको आप कैसे शॉर्ट आउट करेंगे वो मैं बता देता हूँ। बहुत ईजी है, सेम तरह से प्रोसेस करना हो जाएगा। तो हम फोन की सेटिंग के अंदर चलते हैं। सेटिंग के ऑप्शन को टच कर देंगे। यहाँ से इसमें क्या है, आपको टू फिंगर चलाना पड़ेगा। टू फिंगर में आपकी टच चलने लगेगी, सिंगल फिंगर में ये काम नहीं करेगा। ठीक है गाइस, तो टू फिंगर का आपको यूज़ करना है इसमें। तो उसके बाद हम जाएंगे फ़ोन की सिस्टम सेटिंग के अंदर। इस सेटिंग के अंदर जाके डबल प्रेस कर देना है हमें। ठीक है, जब ये ऑप्शन आ जाएगा तब आपको स्लाइड करके यहाँ पे नीचे मिलेगा आपको एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन। इस वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद डबल प्रेस, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिलेंगे ऊपर की साइड, जनरल, विजन, हेयरिंग और इंटरेक्शन। ठीक है, तो आपको विजन के अंदर जाना है। विजन के अंदर जाने के बाद इसको डबल प्रेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये टॉल बैक का ऑप्शन होगा, इसको सिलेक्ट करेंगे, डबल प्रेस कर देंगे। यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे और डबल प्रेस कर देंगे। नीचे स्टॉप का ऑप्शन होगा, डबल प्रेस कर देंगे और ये हमारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गई। ठीक है गाइस, अगर सेम तरह से प्रोसेस करेंगे तो आपका भी हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।